वेंस ईयर टेस्ट। अब हम लोग क्या देखेंगे, वेंस ईयर टेस्ट देखेंगे। तो वेंस ईयर टेस्ट जो होता है वो मेनली हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं, क्ले के लिए इस टेस्ट को हम लोग यूज़ करते हैं। वेंस ईयर टेस्ट जो होता है वो फील्ड टेस्ट भी होता है और क्या लैब टेस्ट दोनों होता है। उसको हम लोग फील्ड में भी परफॉर्म कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं और लैब में भी कर सकते हैं। लेकिन लैब में वैसे सॉइल के लिए हम लोग वेंस ईयर टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिस सॉइल का सीयर स्ट्रेंथ क्या होता है बहुत ही कम होता है। हम लोग कह सकते हैं एक लिमिट रखा गया 0.3 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर उस वैल्यू से कम होगा सीयर स्ट्रेंथ किसी सॉइल का, तो वैसे सॉइल के लिए हम लोग कौन सा वेंस ईयर टेस्ट यूज़ करते हैं, लैब वेंस ईयर टेस्ट यूज़ करते हैं। यानी कि जिस सॉइल के लिए अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट और ट्राइएक्सियल टेस्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, वैसे सॉइल के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेंस ईयर टेस्ट लैब में परफॉर्म करते हैं। बाकी सभी के लिए हम लोग फील्ड में इसको कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, हमारे पास एक वेन होता है। वेन क्या होता है, एक स्टील ब्लेड होता है, चार स्टील ब्लेड होता है, देर आर फोर स्टील ब्लेड्स। और उस चारों ब्लेड को क्या किया जाता है कि ऑर्थोगोनली परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, उसको बेल्ट करते हैं, बेल्टिंग किया हुआ रहता है। इस तरह का कुछ ब्लेड होता है, देखते हैं वेन कैसा होता है। और एक क्या होता है, बीच में सेंट्रल रॉड होता है। हम लोग अभी क्या देखने जा रहे हैं, वेन सीयर टेस्ट, या फिर हम लोग लिख लेते हैं ये जिसे क्या होता है, वेन सीयर टेस्ट, वेन सीयर टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, देखते हैं, स्टील ब्लेड होता है, फोर स्टील ब्लेड बेल्डेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर बेल्ट किया जाता है इस तरह से। ये हमारा क्या है, भेद है ना। तो यहाँ पर क्या है, फोर स्टील ब्लेड, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये फोर स्टील ब्लेड है, स्टील ब्लेड्स, ये क्या होता है, स्टील ब्लेड्स होता है, स्टील ब्लेड है ये चारों। और इसी को हम क्या बोलते हैं, भेद बोलते हैं, दिस इज नोन एज भेद, ये भेद का आधार है। और ये एक दूसरे के ऊपर कैसा है, 90 डिग्री पर बेल्ट किया हुआ है, 90 डिग्री पर। ये सारा क्या होता है, दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर को हम लोग ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं, यानी कि बेल्डेड ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, बेल्डेड ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। इसका मतलब क्या होगा, ये जो चारों वेन हमारा है, स्टील वेन है, स्टील ब्लेड है, वो एक दूसरे पर 90 डिग्री पर क्या किया रहता है, बेल्ड किया रहता है। और बीच में क्या होता है, सेंट्रल रड होता है। इस रड को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप रड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग बाद में इसी रॉड के हेल्प से टॉर्क अप्लाई करते हैं, जिसे नॉन एज टॉर्क रॉड, ये टॉर्क रॉड होता है। फिर नेक्स्ट, ये जो हाइट है ब्लेड का हाइट, जिसे नॉन एज हाइट ऑफ हेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ हेल, कैपिटल एच से डिनोट कर देंगे, मान सकते हैं। और जब ये हेल, ये चारों ब्लेड जब घूमेगा, उसको हम लोग अगर टॉर्क अप्लाई करेंगे तो ये चारों ब्लेड क्या होगा, घूमेगा, है ना। और ये जब घूमेगा तो सरफेस कैसा बनाएगा, सिलेंड्रिकल सरफेस बनाएगा, क्योंकि जितना ये है डायमेंशन उतना ही डायमेंशन इसका है। और वो कितना है, सभी वेन का जो विड्थ है वो क्या है, इक्वल है। तो जब इक्वल विड्थ है तब इस ये वेन को जब हम लोग रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तब एक सही हमारा जो सरफेस बनेगा वो कैसा सरफेस बनेगा, सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगा। तो मान लेते हैं कि ये डायमीटर है हमारा, वेन का डायमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि अगर इसको हम घुमाते हैं तो हमारा एक सर्किल बनेगा ऐसा। और ये सर्किल का डायमीटर कितना होगा, ये प्लस ये दोनों डायमेंशन को अगर ऐड करते हैं तब ये कहलाएगा क्या, इसका डायमीटर कहा जाएगा। मान लेते हैं कि ये जो हमारा सर्किल बनेगा, इस वेन को घुमाने से उस सर्किल का डायमीटर कितना है, डी है। तो ये कितना हो जाएगा, डी वाई टू, और ये भी कितना हो जाएगा, डी वाई टू, यानी कि ये भी हमारा डी वाई टू है यहाँ से यहाँ तक, और ये भी क्या है, डी वाई टू है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ वेन, एंड दिस इज नोन एज वेन डायमीटर, दिस इज नोन एज स्मॉल, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, परफॉर्म कैसे करते हैं टेस्ट को। तो इस वेन को सबसे पहले हम लोग ग्राउंड पे ले जाते हैं, फील्ड में ले जाते हैं, जहाँ हमारा टेस्ट परफॉर्म करना है उस जगह पर ले जा करके सबसे पहले तो फील्ड में एक बोरहोल प्रिपेयर किया जाता है। जिस लेवल पर हम लोग को सॉइल वेन से टेस्ट परफॉर्म करना है उस लेवल पर हम लोग क्या करते हैं, एक बोरहोल बनाते हैं। बोरहोल में ले जा करके इस वेन को हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, उसको ऊपर से हैमरिंग करके इस वेन को क्या करते हैं, ग्राउंड में इंसर्ट करते हैं। और जब ये इंसर्ट हो जाता है,
या तो इस ये टॉप वाले सरफेस को भी हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं ग्राउंड के नीचे, या फिर सिर्फ ये यहाँ तक बोल सकते हैं कि अप टू टॉप, बस ये टॉप जो हमारा सरफेस है वो एयर के कॉन्टैक्ट में रहेगा। यानी कि अगर हम लोग इसको रोटेट करते हैं तो हमारे पास दो कंडीशन है, फर्स्ट ये जो टॉप सरफेस है वो भी ग्राउंड के नीचे चला जाएगा, ग्राउंड लेवल के नीचे चला जाएगा, और सेकंड क्या है ये अगर घुमाएंगे हम लोग टॉप रॉड को घुमाएंगे यहाँ पर रोटेट करवाएंगे तब ये किसके ऊपर रहेगा, ये एयर के कॉन्टैक्ट में रहेगा, यानी कि यहाँ पर जो है सॉइल का रेजिस्टेंस टॉप से नहीं मिलेगा। तो दो तरह का कंडीशन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बोरहोल बनाएंगे, वहाँ पर ले जाकर के इस जो हमारा वेन टेस्टर है इसको हम क्या करेंगे ग्राउंड में इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद फिर क्या करते हैं हम लोग टॉर्क अप्लाई करते हैं, टॉर्क अप्लाई करेंगे इसके हेल्प से, ये जो हमारा टॉर्क रॉड देख रहे हैं इसके हेल्प से हम लोग क्या अप्लाई करते हैं टॉर्क अप्लाई करते हैं। यहाँ पर एक और भी अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या टॉर्क मेजरिंग अरेंजमेंट, जो कितना टॉर्क हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इस वेन के ऊपर उस टॉर्क को क्या करता है बताता है। तो यहाँ पर हम लोग ये यूज करते हैं टॉर्क मेजरिंग अरेंजमेंट या डिवाइस, टॉर्क डिवाइस बोल सकते हैं, इस तरह का डिवाइस हम लोग क्या करते हैं इस टॉर्क रड से कनेक्ट करके रखते हैं। तो फिर हम लोग कितना टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं ये हमारा कौन बता देगा, टॉर्क मेजरिंग डिवाइस हम लोग को बता देता है। और जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे इस पर टॉर्क अप्लाई करेंगे इस तरह, टॉर्क का मतलब क्या है इस तरह से घुमाने का प्रोसेस, ठीक है। तो हम लोग जब इसको टॉर्क अप्लाई करेंगे तो कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा ग्राउंड से, जो हमारा सॉइल है ग्राउंड के नीचे जो सॉइल है वो इस वेन को घूमने में क्या करेगा रोकेगा, है ना। लेकिन अगर हम लोग टॉर्क को बढ़ाते चले जाएंगे तो एक सर्टेन लिमिट पर क्या होगा सॉइल जो हमारा है वो सीयर कर जाएगा, यानी कि सॉइल सरफेस एक दूसरे से खिसक जाएगा आगे पीछे हो जाएगा और जो पूरा सॉइल स्पेसमैन है सिलेंड्रिकल फॉर्म में वो क्या हो जाएगा रोटेट कर जाएगा और हम बोलेंगे यहाँ पर सॉइल क्या हो चुका हमारा सीयर हो गया, यानी कि सॉइल फेल कर गया। तो उस कंडीशन पर हम देखेंगे कि हमारा कितना टॉर्क ये शो कर रहा है, टॉर्क मेजरिंग जो डिवाइस है वो कितना टॉर्क शो कर रहा है, वहाँ से हम लोग क्या करेंगे सीयर स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं। तो कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये कि हाइट ऑफ जो वेन है वो तो हमारा एच है और डायमीटर क्या है डी हम लोग मान चुके हैं। तो इसी चीज़ को हम आगे देखते हैं, फिर यहाँ पर से इसकी रिपोर्ट आते हैं साइड में बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या करना है हम लोग को कैलकुलेशन करना है। तो आइए देखते हैं, दिस इज वेन शेयर टेस्ट, ये कैसा टेस्ट है ये क्विकर टेस्ट भी जल्दी से हम लोग कर भी सकते हैं, क्विक टेस्ट है और क्या है चीपर टेस्ट है, ज़्यादा इसमें हम लोग को ज़्यादा खर्च में नहीं करना है, अगर कॉस्टली भी टेस्ट नहीं है तो चीपर टेस्ट है और क्या है क्विकर टेस्ट है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है ये वेन, दिस इज वेन, ये क्या है हमारा वेन, ये डॉटेड क्यों है क्योंकि वो बैक साइड में है इसलिए डॉटेड हम उसको दिखाएं। और ये जब वेन घूमेगा तो यहाँ पर सरफेस कैसा बनेगा, टॉप से अगर देखेंगे तो ये यहाँ पर सर्कल बनेगा इस तरह का, दिस विल बी ए सर्कल, एक सर्कल बनेगा, इस सर्कल का डायमीटर को हम क्या मान लेते हैं डी मान लेते हैं, और ये क्या है हाइट ऑफ वेन, दिस इज हाइट ऑफ वेन, ये मान लेते हैं हाइट ऑफ वेन है, और ये क्या है टॉर्क रड है, टॉर्क रड, इसके अनुसार हम क्या करेंगे टॉर्क लगाएंगे, यानी कि वेन को रोटेट करवाएंगे घुमाएंगे सॉइल के अंदर ग्राउंड के नीचे। तो मान लेते हैं हम लोग क्या लेट हाइट ऑफ वेन, हाइट ऑफ वेन ये क्या है एच, हम लोग हाइट ऑफ वेन कितना मान लिए हैं एच मान लिए हैं, डायमीटर ऑफ वेन, डाया ऑफ वेन, वेन का डायमीटर कितना है ये स्मॉल डी एज्यूम कर लेते हैं, एंड सीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, सीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल ये मान लेते हैं क्या टाव एफ है, टाव एफ मीन्स फेलियर सीयर स्ट्रेंथ, इस पर वो फेल कर रहा है ऐसा कर रहा है। तब जब हम लोग इसको घुमाएंगे टॉर्क रड, जब इस पर टॉर्क अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारा सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगा, यानी कि सॉइल के अंदर क्या हुआ है जब सॉइल फेल करेगा सॉइल सीयर होगा तो उसके अंदर अंदर क्या हुआ है सिलेंड्रिकल सरफेस प्रिपेयर होगा और उस सिलेंड्रिकल सरफेस पर क्या लगेगा सीयर स्ट्रेस एड करेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो सीयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है सिलेंड्रिकल सरफेस के अलावा वो क्या है यूनिफॉर्म है और वो क्या है टावे, ये टावे कौन सा सीयर स्ट्रेस जिस समय वो फेल करता है जिस समय स्लाइड कर जाता है सीयर कर जाता है उस समय का हम लोग मान लेंगे सीयर स्ट्रेंथ टावे मान लिया, यानी कि सॉइल का सीयर स्ट्रेंथ टावे है
इतना शियर स्ट्रेस के बाद जो है सॉइल क्या हो जाएगा, शियर हो जाएगा, फेल कर जाएगा। तो ये तो हम लोग को जो शियर रेजिस्टेंस मिलेगा ये सिलेंड्रिकल सरफेस से वो कितना मिलेगा ये हम लोग देखते हैं। देयरफॉर टोटल शियर रेजिस्टेंस, टोटल शियर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस फ्रॉम सिलेंड्रिकल सरफेस, सिलेंड्रिकल सरफेस तो ये क्या होता है टोटल शियर रेजिस्टेंस। शियर रेजिस्टेंस मीन क्या, एक तरह का हम लोग को फोर्स कैलकुलेट करना है, कितना फोर्स लाएगा तो रेजिस्टेंस फोर्स। तो फोर्स क्या होता है यानी कि स्ट्रेस हम लोग को फाइंड करना है, तो क्या फोर्स हम लोग निकालेंगे ऐसे स्ट्रेस इंटू एरिया, हम लोग ये कॉन्सेप्ट जानते हैं स्ट्रेस इंटू क्या होता है एरिया होता है। तब जब इस वेन को हम लोग घुमाएंगे तो क्या बनेगा, एक हमारा सिलेंडर बनेगा है ना, और इस सिलेंडर का सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगा उसका चारों तरफ का सिलेंड्रिकल सरफेस का एरिया कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सिलेंडर का एरिया, ये जो हमारा सिलेंडर है इसका चारों तरफ का एरिया कितना होता है पाई डी इंटू क्या एच, ये एच अगर हाइट है सिलेंडर का, दिस इज हाइट ऑफ सिलेंडर, और ये डायमीटर अगर डी है तो इसका चारों तरफ का एरिया कितना होता है पाई डी इंटू एच, और शियर स्ट्रेस हम लोग क्या मान रहे हैं टाउ मान रहे हैं, टाउ एफ मान रहे हैं, तो कितना हो जाएगा टोटल शियर रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा शियर स्ट्रेस हमारा ये शियर स्ट्रेस टाउ एफ है, और एरिया कितना हो जाएगा पाई डी इंटू क्या एच, ये कितना सकता है हम लिख सकते हैं इसको इक्वल टू पाई डी एच इंटू टाउ, ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट अब अगर हम मान लेते हैं कि हमारा जो दोनों सरफेस है टॉप सरफेस और क्या बॉटम सरफेस वो दोनों क्या है सॉइल के नीचे, मतलब टॉप सरफेस भी सॉइल का ये ग्राउंड सरफेस के नीचे हम लोग इंसर्ट कर दिए, तब जब घुमाएंगे तो शियर रेजिस्टेंस बॉटम से भी मिलेगा और टॉप से दोनों से मिलेगा। तो वहाँ पर हम कैसे निकाल सकते हैं शियर रेजिस्टेंस को, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि एक हम लोग क्या करते हैं स्मॉल एलिमेंट लेते हैं इस सेंटर से आर डिस्टेंस पर, मान लेते हैं कुछ ऐसा है ये आर डिस्टेंस पर हम क्या मान लिए एक एलिमेंटल रिंग कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं इसका डायमीटर कितना है, इसका जो विड्थ है एलिमेंट का ये हम लोग मान लेते हैं स्मॉल डी आर ऐसा कुछ। तो इस एलिमेंट पर अगर कोई पूछेगा कि शियर रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ सॉइल का कितना मिल रहा है, शियर रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है ग्राउंड से, तो हम लोग इसको बता सकते हैं। तो शियर रेजिस्टेंस क्या होता है स्ट्रेस इनटू क्या एरिया, तो स्ट्रेस को हमारा पता है कि टाउ एफ है, लेकिन एरिया इस एलिमेंट का अगर हम लोग एरिया जानना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको हम लोग कट करेंगे तो एक तरह का ये क्या होगा ये रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू विड्थ, तो इसका विड्थ कितना है डी आर है और लेंथ कितना हो जाएगा पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा दैट मींस सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाएगा। तो इसका सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर को बोल सकते हैं, तो 2 पाई आर, आर जगह पर कितना है पाई आर ही है 2 पाई आर, ये तो हो गया हमारा क्या सर्कमफेरेंस, और इसका जो विड्थ है ये कितना है डी आर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 पाई आर डी आर, ये इस रिंग का क्या हो गया एरिया हो गया, समझ ये रिंग का थिकनेस क्या है बहुत ही कम, तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि इसका जो लेंथ होगा वो 2 पाई आर के बराबर होगा और इसका थिकनेस इतना है डी आर। इस एरिया में अगर हम लोग स्ट्रेस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाएगा फोर्स मिलेगा, इतना फोर्स हम लोग को रेजिस्टेंस फोर्स मिलेगा दोनों से टॉप से भी और क्या बॉटम से। तो अगर हम लोग लिखना चाहें शियर रेजिस्टेंस फ्रॉम टॉप एंड बॉटम तो ये कितना होगा शियर रेजिस्टेंस फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, तो कितना हो जाएगा देखते हैं उसको है ना, वो हो जाएगा 2 पाई आर डी आर इंटू क्या टाउ ए, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये जो शियर रेजिस्टेंस मिला है 2 पाई आर डी आर इंटू टाउ ए, ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल जो इवेंट है जो रिंग कंसिडर किए हुए हैं इसका रेजिस्टेंस, मतलब ये रेजिस्टेंस सिर्फ इतना से मिल रहा है इस रिंग से इतना रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो इस पूरे क्रॉस सेक्शन से जो हमारा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है टॉप और बॉटम पे उस पूरे से अगर हम लोग को रेजिस्टेंस निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट कर देंगे, मैथमेटिक्स में हम लोग ये देख चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इसमें देख चुके हैं, मैकेनिक्स में भी इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं है ना, यहाँ पर सेंट्रोइड निकालते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं तो स्मॉल एलिमेंट लेते हैं फिर उसको टोटल कंसिडर करने के लिए क्या करते हैं इंटीग्रेट करते हैं, तो इसीलिए टोटल क्रॉस सेक्शन का रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ लिमिट भी पुट करना पड़ता है कहाँ से कहाँ तक, तो ये जो वैल्यू हमारा आर हम लोग देख रहे हैं ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है सेंटर से, यानी कि आर का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में ये कहाँ तक जाएगा
ये कैपिटल ये बड़ा वाला रेडियस का और इसका रेडियस हम लोग टाइम टू कितना वाला है इसका d तो जब टाइम टू d माने हुए हैं तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा टोटल dy यानी कि r इक्वल टू 0 से लेकर कहां तक जाएगा dy 2 तक ये हमारा लिमिट रहेगा तो हम लोग यहां क्या करते हैं लिमिट पुट कर देते हैं ये जो r है ये का वैल्यू r का वैल्यू कहां चेंज करेगा 0 टू dy 2 ये dy नेक्स्ट अगर टॉप और बॉटम दोनों से रेजिस्टेंस मिल रहा है ऊपर से भी और नीचे से तब क्या हो जाएगा ये प्लस एक बार और करना पड़ेगा अगर ये टॉप के लिए किए हैं तो एक बार बॉटम के लिए करना पड़ेगा इसी तरह से तो हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि टॉप से भी होगा और बॉटम दोनों से रेजिस्टेंस मिलेगा इसीलिए हम लोग क्या किए इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल जो हमारा सी रेजिस्टेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा फर्स्ट और सेकंड का सम ये फर्स्ट और ये क्या सेकंड दोनों का सम इतना हम लोग को सी रेजिस्टेंस मिलेगा टोटल टॉप से बॉटम से और सिलेंड्रिकल जो हमारा सरफेस बन रहा है उसके अलावा तो अब अगर हम लोग देखेंगे तो जितना हमारा सी रेजिस्टेंस मिल रहा है उसका टॉर्क किसके बॉट ये जो हमारा टॉर्क ब्लड इसके बॉट जो टॉर्क होगा फेलोर के समय टोटल टॉर्क वो टॉर्क किसके बराबर होगा जो टॉर्क मेजरिंग डिवाइस अभी यहाँ पर हम लिखे थे टॉर्क मेजरिंग अरेंजमेंट या डिवाइस वो जितना टॉर्क रिप्रेजेंट करेगा वो इस और इस रेजिस्टेंस का जो टॉर्क होगा सेंट्रल ब्लड के बॉट यानी टॉप ब्लड के बॉट उसके इक्वल होना चाहिए है ना तो हम लोग क्या करेंगे टोटल रेजिस्टेंस जो हमारा ऐसे रेजिस्टेंस से ये टॉप बॉटम से और सिलेंड्रिकल सरफेस से उसका टॉर्क कैलकुलेट करेंगे किसके और टॉर्क ब्लड के बॉट और उसको इक्वेट करवा देंगे किसके किस टॉर्क से जो टॉर्क मेजरिंग डिवाइस हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है शो कर रहा है इंडिकेट कर रहा है उस टॉर्क से हम क्या करेंगे उसको इक्वेट करवाएंगे तब जो हमारा वैल्यू मिलेगा टाउवेट का वही क्या हो जाएगा स्माइल का सी रेजिस्टेंस ऑफ स्माइल देखते हैं अब इस दोनों का हम क्या करेंगे टॉर्क मेजर करते हैं टॉर्क कैलकुलेट करते हैं मेजर नहीं सॉरी कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं कितना टॉर्क होता है तो फर्स्ट ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इसका टॉर्क किसके बाद ये जो वेन रॉड था सेंटर में उसके बाद तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेन है इस तरह का ऐसा कुछ वेन था और यहाँ पर रॉड तो टॉर्क का मतलब क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस जहाँ पर से हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मैक्सिमम डिस्टेंस तो ये हमारा डिस्टेंस कितना हो गया आउटर पॉइंट का बाहर वाले बिंदु का कितना ये हमारा जो सिलेंड्रिकल सरफेस है वो सरफेस का डिस्टेंस इस रॉड से कितना हो रहा है dy2 तो इसमें हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे dy2 तो ये हमारा क्या हो जाएगा टॉर्क कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पर टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जो हमारा ये है ये रेजिस्टेंस है वो किससे मिल रहा है टॉप और बॉटम से मिल रहा है तो यहाँ पर टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसका रेडियस डी वाई टू से इसमें भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे देखते हैं सो टॉर्क ऑफ दीज रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस ये है और टॉर्क रॉड टॉर्क रॉड तो ये कितना हो जाएगा पाई डी एच इंटू टाउ एच पाई डी एच इंटू टाउ एच और इंटू क्या डी वाई टू डी वाई टू से क्यों मल्टीप्लाई किया क्योंकि टॉर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं फोर्स और इंटू क्या रेडियल डिस्टेंस इस तरह से तो ये हो गया डी वाई टू और प्लस क्या इसका टॉर्क निकलेगा ना तो ये हमारे क्या है टू पाई आर डी आर इंटू टाउ एच ये तो हमारा हो गया क्या सी रेजिस्टेंस तो उसका भी टॉर्क हम लोग कैलकुलेट करते हैं 2 पाई आर डी आर ठीक है और फिर क्या है इंटू टाउ एफ ये तो हमारा क्या हो गया सीयर रेजिस्टेंस हो गया है ना जब ये सीयर रेजिस्टेंस हो गया और इसका हम लोग को टॉर्क निकालना है तो हम लोग ये रेडियस नाम पर कंसिडर किए थे इलेवन यहाँ से आर डिस्टेंस पर कंसिडर किए थे तो इसको टॉर्क फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सेंटर से इस टॉर्क रड से हमारा डिस्टेंस कितना है आर तो इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे आर तो यहाँ पर हम क्या करेंगे आर से मल्टीप्लाई कर देंगे ये आर और ये क्या है टू और यहाँ से क्या है जीरो टू डिवाइड अभी जो हमारा टोटल टॉर्क है ये किसके बराबर होना चाहिए टॉर्क मेजरिंग डिवाइस जो रिप्रेजेंट कर रहा है टॉर्क उसके बराबर होना चाहिए तो ठीक है बराबर हम लोग करते हैं इसको है ना अब यहाँ पर से क्या करेंगे इसको कैलकुलेट करते हैं बस इसको सॉल्व करना है तो जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा देखते हैं पाई डी एच इंटू टॉप एच इंटू डी वाई टू ये हो गया प्लस यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं
ये कितना हो गया 4 4 है और ये क्या है पाई है टाउ f इतना तो हमारा क्या कांस्टेंट है पाई टाउ f और ये दोनों कांस्टेंट है बाकी क्या रह जाएगा r into r ये कितना हो गया r स्क्वायर और ये क्या है dr r into r r स्क्वायर और ये फिर क्या है dr तो dr हमने जो लिख दिए हैं और ये क्या है 0 to dy 2 ऐसा फिर नेक्स्ट लिखते हैं इसको तो t is equal to pi d अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर pi देख रहे हैं दोनों जगह टॉप पे भी दोनों जगह तो pi को टॉप पे हम लोग क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं बचेगा क्या यहाँ पर d into h और यहाँ पर क्या है d square d into d by 2 तो d square by 2 लिख सकते हैं हम लोग d square by 2 into क्या h ऐसा हो गया हमारा d square by 2 into h ये हो गया और अगर इसमें देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा ऐसा करते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पर 4 है पाई वाला कॉमन हो चुका है टॉप पे भी कॉमन हो चुका है तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन कितना होता है आर क्यू बाई थ्री आर क्यू बाई थ्री इंटीग्रेशन होगा है ना और फिर लिमिट टूट जाएगी कितना 0 to d/2 ये बस वैल्यू पुट करना है क्या करना है सॉल्व करना है लेते हैं t is equal to क्या है pi into tau f into d square by 2 h और प्लस क्या 4 into अब r की जगह पर क्या करना है d by 2 और यहाँ पर क्या किया हुआ r का क्यूब इसका मतलब क्या हो जाएगा d का क्यूब by 2 ऐसा कुछ तो यहाँ पर देखते हैं 4 into r की जगह पर क्या करना है d by 2 और उसका क्यूब क्या हुआ ये क्यू है तो हम क्यूब करेंगे और बाई नीचे क्या है 3 लिख देंगे इस तरह से और फिर लोअर लिमिट क्या है इसका 0 तो जैसे यहाँ पर 0 रूट करेंगे तो सारा टर्म क्या हो जाएगा 0 तो हम लोग उसको नहीं भी लिख सकते हैं छोड़ सकते हैं ऐसा हो जाएगा इस तरह तो डायरेक्टली ये ऐसा आएगा नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं अब देखते हैं ये क्या हो रहा है बाई इंटू टॉप एफ into d square h by 2 ये d square h by 2 और प्लस क्या ये कितना हो जाएगा dq by 8 है ना और नीचे 3 तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 4 into dq by 8 into क्या 3 इसको मैथमेटिक्स कैलकुलेट करेंगे वैसा हो जाएगा dq by 8 into 3 यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा 2 4 into 4 to जाइट होता है therefore tau in ये pi into tau in अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डी स्क्वायर यहाँ पे है और डी क्यू यहाँ पे तो हम लोग डी स्क्वायर क्या ले सकते हैं कॉमन ले सकते हैं बचे है क्या है एच बाई टू प्लस इधर से देखते हैं तो डी क्यू था और यहाँ पर हम लोग डी स्क्वायर कॉमन लिए तो बचे है यहाँ पे डी और 3 into 2 ये क्या हो जाएगा 6 इधर क्या चला रहा था ये हमारा टॉप टी ये टेस्ट हम क्यों कर रहे हैं मेन सीयर टेस्ट मतलब कि स्क्वायर का सीयर स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए यानी कि इस वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए टॉप एफ का वैल्यू को फाइंड करना है तो यहां पर पाई कांस्टेंट है डायमीटर हेड का डायमीटर पता है एज हाइट ऑफ हेड पता है डायमीटर ऑफ हेड इससे वही चीज है भी पता है और ये टॉप बिजनिंग की हाइट से इन टी हम लोगों को क्या होता है मिल चुका पहले से तो इस इक्वेशन से हम लोग टॉप एफ का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं देयरफॉर टॉप एफ को लिख सकते हैं क्या इधर ये सारा टर्म किधर चला जाएगा डिवाइड किया जाएगा ई के नीचे तो टॉप एफ यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं देखो यहाँ से अगर हम टॉप एफ निकालना चाहेंगे टॉप एफ इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा टी टी बाई ये क्या हो जाएगा पाई इंटू डी स्क्वायर पाई इंटू डी स्क्वायर और इंटू क्या है ये टोटल टर्म टी के नीचे चला जाएगा एच वाई टू प्लस डी वाई सिक्स एच वाई टू प्लस क्या डी वाई सिक्स ऐसा इस तरह से हम लोग क्या निकलते हैं स्क्वायर का सीयर स्ट्रेंथ डिटरमाइन करते हैं कौन से टेस्ट किए थे वेन सीयर टेस्ट यही हमारा क्या है वेन सीयर टेस्ट क्या है एक बात याद रखना है
इस टेस्ट में इस कैलकुलेशन में हम लोग क्या किए थे कि टॉप और बॉटम जो हमारा सिलेंड्रिकल सरफेस बन रहा था पेन का, उसका टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस दोनों को हम लोग क्या माने थे कि दोनों हमारा जो है सॉइल के नीचे चला गया, पेनिट्रेट किया कर चुका है, तो रेजिस्टेंस टॉप और बॉटम दोनों से मिल रहा था। तब उस केस में हम लोग क्या किए थे कि इंटीग्रेशन के पहले दो लगा देते थे ऐसा करके और 0 to dy/2 ये कर रहे थे टॉप और बॉटम दोनों से। तो जब दोनों इन सिलेंड्रिकल जो हमारा सरफेस बन रहा है उसका दोनों इंड अगर शियर में पार्टिसिपेट करता है तो वैसे फ्रेमवर्क हम लोग क्या बोलते हैं या ऐसे शियर स्ट्रेंथ टेस्ट बोलते हैं टू वे शियर। तो ये हमारा क्या था टू वे शियर ही है, टू वे शियर। अगर सिर्फ बॉटम जो हमारा बॉटम सरफेस है सिलेंडर का वही सिर्फ ये शियरिंग में पार्टिसिपेट करेगा और टॉप सरफेस जो है वो ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहेगा मतलब वहाँ से अगर रेजिस्टेंस नहीं मिलता है तो वैसे वाले शियर को हम क्या बोलते हैं वन वे शियर। तो वन वे शियर के लिए क्या करेंगे ए टू से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ एक ही इंड पार्टिसिपेट करके टॉप और बॉटम में कोई एक और कोई एक टॉप ये बॉटम फिक्स है टॉप नहीं कर सकता है। तो ये हटा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा वन वे शियर बन जाएगा। अगर टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये टू वे शियर बन जाएगा, बस ये फर्क है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि शियर स्ट्रेंथ और शियर टेस्ट से क्या होता है dy/dy2 dy6 ये होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर डी क्या है टॉर्क है ये कहाँ से मिलेगा आप लोग को टॉर्क मीटिंग जो डिवाइस है वो बता देगा और डी डायमीटर ऑफ पेन एच हाइट ऑफ पेन एंड अगेन डी है डायमीटर ऑफ पेन। इस तरह से हम ये शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को कैलकुलेट कर सकते हैं निकाल सकते हैं इसके हेल्प से। कौन सा टेस्ट ये था वेन शियर टेस्ट। सो दिस वेन शियर टेस्ट क्या होता है यहाँ पर कंप्लीट होता है।